वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अ 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक कंपाउंड दिया हुआ है जो कि ऑक्सीजन और बोरोन से बना हुआ है और इस कंपाउंड का जो वेट है वो टोटल कितना है 0.24 ग्राम है और यहाँ पे जो है कार्बन यानी कि जो बोरोन है उसका जो वेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.096 ग्राम और ऑक्सीजन का जो यहाँ पे वेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.144 ग्राम। तो हमसे यह पूछ रहा है क्या कि जो परसेंटेज कंपोजिशन है यानी कि जो भी कंपोजिशन है यानी कि बोरोन और ऑक्सीजन, तो उनका जो परसेंटेज है बाय वेट वो कितना है कंपाउंड में। तो ये हमको यहाँ से पता चल रहा है कि जो ये कंपाउंड है बी और ओ आप बोल सकते हो, तो ये किससे मिलके बना है, जैसे कि हमको पता है बोरोन को हम किससे डिनोट करते हैं, बी से, और यहाँ पे ऑक्सीजन को किससे डिनोट किया गया है, ओ से। तो यहाँ पे हमको पता है कि बी प्लस ओ इक्वल टू बी ओ, ये कंपाउंड आप मान सकते हो। तो जो बोरोन का जो वेट है वो कितना है यहाँ पे 0.096 ग्राम और ऑक्सीजन का जो वेट है वो कितना है 0.144 ग्राम और जो टोटल है यहाँ पर जो वेट दिया हुआ है कंपाउंड का वो दिया है 0.24 ग्राम। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो परसेंटेज है वो कैसे निकालते हैं। आपने अपने मैथ सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा कि जब हमको परसेंटेज निकालना होता है, मान लीजिए कि वेट का हमको परसेंटेज निकालना है, तो हमको उस सब्सटेंस का हमको वेट पता रहना चाहिए और उसका जो टोटल वेट होता है कंपाउंड का उसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हमने पुट किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, बोरोन का हम कंपोजिशन परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो है बोरोन का हम यहाँ पे जो है वेट लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 0.096 और जो टोटल वेट है कंपाउंड का वो कितना है 0.24 है, तो इसको हम यहाँ पे जो है नीचे लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 0.24 और यहाँ पे इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है आप इसका यहाँ से हटाओगे तो कितना यहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पे हम लिख देंगे 1000 और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, टोटल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 40%। तो ये जो है परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगा बोरोन का। इसके बाद हमको अब ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन का जो वेट दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे, कितना है 0.144 डिवाइडेड बाय जो टोटल कंपाउंड का जो वेट है वो कितना है 0.24 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसके बाद जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ जो है क्या आ जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा 24 से इसको जब हम करेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा और ये जो परसेंटेज निकल करके आ जाएगी 60%। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकल करके आ जाएगा और यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्नड इन 8 ग्राम ऑक्सीजन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्मड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्नड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, व्हिच लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन विल गवर्न योर आंसर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कार्बन का जो है 3 ग्राम दिया हुआ है और ऑक्सीजन का 8 ग्राम है, ये दोनों जो है वो बर्न होकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 11 ग्राम बना रहे हैं। तो हमसे पूछा गया है कि जब 3 ग्राम जो है कार्बन जो है 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास जो है वो निकल करके आएगा और ये जो है इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन का जो है कौन सा लॉ जो है ये फॉलो कर रहा है, ये भी हमको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये इक्वेशन को लिख लेंगे, तो सी प्लस ओ टू ये क्या बना देंगे, सीओ टू बना देंगे। यहाँ पे जो है कार्बन का कितना वेट दे रखा है 3 ग्राम जो यहाँ पे पुट कर देंगे, उसी तरह से ऑक्सीजन का कितना वेट दिया हुआ है 8 ग्राम दिया हुआ है। इन दोनों को एड करने के बाद यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा वेट दिया हुआ कितना दिया हुआ है 11 ग्राम दिया हुआ है और हमको ये भी पता है कि जो कार्बन का जो एटोमिक वेट होता है और ऑक्सीजन का एटोमिक वेट होता है वो कितना होता है, हमने पढ़ रखा है कितना है ये 12 ग्राम होता है। उसी तरह से जो O2 का होता है वो कितना होता है एटॉमिक वेट 32, उसी तरह से जो CO2 का होता है वो कितना होता है 44 होता है। तो आप यहां पर देख रहे हो कि जब हम इसका जब हम इसे कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पे एक रेशो निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पे जब हम 12 डिवाइडेड बाय 32 करते हैं तो जो रेशो निकल करके आ रहा है वो कितना आ रहा है 3:8 आ रहा है, जो कि सेम जो है कैसा है, जो कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है 3:8 जो हमको यहाँ पे प्रोपोर्शन दिया हुआ है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं और जो फिर हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो है का जो फिक्स प्रोपोर्शन है वो कितना है, वो भी 11 ही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बन के जो 3 ग्राम है वो हमेशा ऑक्सीजन के 8 ग्राम से जो है वो कंबाइन करके क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के हमेशा 11 ग्राम बनाएंगे। तो ये जो है ये कौन सा लॉ हो जाएगा हमारा, हमने पढ़ रखा था कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ। तो यहाँ पे ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन का जो ये लॉ है ये यहाँ पर जो है हम इसको जो है ये फॉलो कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो हमेशा 8 ग्राम 3 ग्राम जो कार्बन है वो हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और 11 ग्राम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बनाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिए हुए हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो 50 ग्राम है, 50 ग्राम तो नहीं, चाहे 50 ग्राम दे दे चाहे 100
ग्राम दे दे, तो लेकिन जो है ऑक्सीजन का हमेशा कितना 8 ग्राम ही जो है वो 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा। तो इसीलिए कितना जो है 50 ग्राम जो है 50 में से अगर हम 8 को हम माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो आ जाएगा 42। तो ये जो 42 ग्राम निकल करके आ जाएगा ये ऑक्सीजन जो है वो कौन सी ऑक्सीजन होगी जो कि कार्बन के साथ जो है वो कंबाइन ही नहीं कर रही है, जो कि अनरिएक्टिव है। तो क्योंकि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए, 8 ही ग्राम होने चाहिए, इसीलिए क्या हो जाएगा 50 में से 8 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना 42 ग्राम जो निकल करके आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा अनरिएक्टिव ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा लॉ आपका जो है वो फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस गिव एग्जांपल्स। तो इसमें पूछ रहा है कि पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं और इसको एग्जांपल से समझाइए। तो पॉली का सबसे पहले तो मतलब हमको पता रहना चाहिए, पॉली जो है कि इंग्लिश वर्ड है, पॉली का क्या मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि एक से ज्यादा। तो आपको इस टर्म से ही पता चल जाना चाहिए कि ऐसे आयन जो कि एक से ज्यादा एटम से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम पॉलीएटॉमिक आयंस बोलेंगे। तो हम इसका डेफिनेशन हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, पॉलीएटॉमिक आयंस आर दो आयंस that contain more than one atom, ठीक है। These ions are formed when a number of atoms come together to form a compound. तो इस तरह के ions कब बनते हैं, जबकि एक से ज्यादा जो atoms होते हैं वो क्या होते हैं, एक साथ जो है वो join करते हैं और एक compound बनाते हैं। तो ऐसे ions को क्या बोलते हैं, polyatomic ions कहते हैं। इसके कुछ example है, जैसे कि ये क्या है, ये ammonium ion है, वो देखिए ये यहाँ पे nitrogen और hydrogen जो है ये दो तरह के जो है atoms से मिल करके बना है, इसीलिए। और इस पे क्या है, ये plus sign, एक जो है ये positive sign है। तो ये जो है जो ये सारे जो atom होते हैं ये एक दूसरे से covalent एक बॉन्ड होता है उसके द्वारा ये एक दूसरे से जो है वो जुड़े हुए रहते हैं। तो इस तरह के आयन को क्या बोलते हैं, हम पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। उसी तरह से ये हाइड्रोक्साइड आयन है, फिर सल्फेट आयन है। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए पॉलीएटॉमिक आयन्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है, तो हमने केमिकल फॉर्मूला पे हमने इसके पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि केमिकल फॉर्मूला किस तरह से लिखा जाता है। तो वही वीडियो में जो है आपका कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा तो आप यहाँ पे आसानी से पता कर लोगे कि किसका क्या केमिकल फॉर्मूला हो सकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है नंबर वन क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो सबसे पहले क्या है, हमको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम जो है उस पर कितने जो है ये वैलेंसी कितनी होती है इसकी, 2+ होती है, और जो क्लोराइड है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, माइनस। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसका जो है इधर क्रॉस कर देंगे वैलेंसी, और जो मैग्नीशियम की है उसकी भी हम इधर क्रॉस कर देंगे, और इसको किस तरह से लिख लेंगे, MgCl2। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का ये केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, 2+ होती है। उसी तरह से जो ऑक्साइड आयन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2- होती है। तो इसको हम लिखेंगे 2:2, तो ये 1:1 का रेशियो आ जाएगा, जो कि हम जो है फॉर्मूले में नहीं लिखते हैं, इसलिए सिंपल इसका जो केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा CaO। स्टूडेंट्स आप लोगों को फर्स्ट 20 जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो है वैलेंसी है वो लर्न करनी होगी। अगर आप लोगों को ये वैलेंसी का चार्ट चाहिए तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मैंने जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो वहां पर जाकर आप मुझे ज्वाइन कीजिए, मैं आपको जो है वहां पर अपने जो है ये आयंस का जो है मैं चार्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगी, वहां से आप जाकर जो है अपना कंसेप्ट जो है क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कॉपर नाइट्रेट। तो सबसे पहले कॉपर की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 2+ होती है। उसी तरह से नाइट्रेट की वैलेंसी -1 होती है। तो इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला CuNO3 whole 2। उसी तरह से एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी हो कितनी है, 3+ है। क्लोराइड आयन की जो होती है वो -1 होती है, तो इसको इधर हम ले जाएंगे तो Al हो जाएगा, और जो इसकी 3 वैलेंसी है वो क्लोराइड के साथ ऐड हो जाएगी, तो क्या हमारा इसका केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा, AlCl3। लास्ट पूछा गया कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला। तो CA की जो होती है कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो 2+ है। उसी तरह से जो कार्बोनेट आयन है उसकी वैलेंसी 2- है। तो उसी तरह से सेम ही क्या हो जाएगा, 1:1 का रेशियो आ जाएगा, जो कि हम लिखेंगे नहीं फॉर्मूला में। तो इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, CaCO3। तो इस तरह से हमने जो है आज कितने 5 क्वेश्चन किए हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, और आपका अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू एंड बाय बाय।